बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है, पहले मैं ये थोड़ा डिफाइन कर लूँ, इसके बाद हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या। तो मैं यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल द पार्टिकल ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। अगर दो ऑब्जेक्ट यानी दो पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज हो, तो उस चार्ज की वजह से ये एक ऐसी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये तो एक सादा सा डेफिनेशन है इसका, प्रॉपर डेफिनेशन इसका है ही नहीं, लेकिन ये हम थोड़ा समझाने के लिए ये डेफिनेशन ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द पार्टिकल ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। अगर दोनों पे यही चार्ज का प्रॉपर्टी मौजूद हो दो पार्टिकल पे, तो या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या एक दूसरे को रिपेल करेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे चंद एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये जो डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, ये ग्रीक ज़माने से हुई है, और ग्रीक उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी एक दो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी हम उसी एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट लेते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे एक दो ग्लास रॉड्स, एक ग्लास रॉड इसको मैंने सस्पेंड किया है किसी फिक्स सपोर्ट के साथ और इसको रब किया सिल्क कपड़े से। इसी तरह दूसरे रॉड को भी मैंने सिल्क ही के कपड़े से ये मैंने रब किया। सिल्क कपड़ा रेशमी कपड़े को कहते हैं। तो जब हम ये उस सस्पेंडेड एक ये जो फ्री रॉड है इसको हम जब इस सस्पेंडेड रॉड के करीब लाते हैं, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये इससे परे हट जाती है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट हुई। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम दिस इज़ एक्सपेरिमेंट 2। मैंने अब यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह मैंने प्लास्टिक रॉड ली। ये मेरे पास एक प्लास्टिक रॉड है, ये मैं थोड़ा शेडेड बना रहा हूँ, ये प्लास्टिक रॉड है। और प्लास्टिक रॉड को अगर हम फोर्स से यानी कि ऊनी कपड़े से अगर हम इसको रगड़ें और दूसरे रॉड को भी हम ऊनी कपड़े से ही रगड़ें, प्लास्टिक रॉड है दूसरा भी और उसको भी हम ऊनी कपड़े से रगड़ लें, तो फिर अगर इस रॉड को हम इस सस्पेंडेड रॉड के करीब लाए तो ये भी इसको रिपल्स करेगी, यानी इससे ये परे हट जाती है। ये तो हो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हमने एक ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड मैंने सस्पेंड किया है और उसको हमने रब किया है सिल्क के साथ, इसको हमने सिल्क के साथ रब किया है। दूसरा जो रॉड है वो है प्लास्टिक रॉड, ये एक प्लास्टिक रॉड है और उसको हमने फोर के साथ रब किया है। तो ये प्लास्टिक रॉड में शेडेड बना रहा हूँ ताकि आपको दोनों की समझ आए। अच्छा, जब हम इस प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के करीब लाए तो ये इस ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर दिए अपनी तरफ। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये जो है ना ये रिज़ल्ट मिलता है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट्स को और इसको हम किसी सेम कपड़े से रगड़ लें, यानी ये ग्लास को सिल्क के साथ और दोनों ही ग्लास रॉड हो, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करती है, यानी कि दोनों पे सेम प्रॉपर्टी आ चुकी है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे आ चुकी है। इसी तरह अगर दोनों प्लास्टिक रॉड हो तो वो भी एक दूसरे को रिपल्स करती है, यानी कि दोनों पे सेम चार्जेस है, सेम प्रॉपर्टी है।
और अगर हम दोनों को अलग अलग से ले लें, एक ग्लास ले लें और एक प्लास्टिक ले लें, एक को सिल्क के साथ और दूसरे को फोर के साथ हम रख करें, तो ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसी बिना पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये समझा कि चार्ज के दो टाइप्स हैं। देयर आर इन द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट discovered that charges are of two types, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको एक अमेरिकन नेम्ड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम ये दिया। बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे आ जाती है ये बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इसकी वजह से होती है। इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम जानते हैं कि जिन एटम्स से ये बना हुआ है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। हम जानते हैं कि एक एटम, यहाँ पे मैं एक एटम ले रहा हूँ, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे एक दो तीन। लेट्स से कि ये मैंने एक एटम ली है, इसके मरकज है में यानी न्यूक्लियस में फाइव प्रोटॉन्स हैं और इसके अराउंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ना सर्कुलेट करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका जो इफेक्ट है कि एक दूसरे को कैंसिल करती है, यानी इलेक्ट्रिकली एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल रहती है। अब अगर हम इसको किसी चीज़ से रगड़ लें, इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ दिया, तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज दो तरीकों से क्रिएट होते हैं। या तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इससे हटाना है या इसके साथ ऐड करना है, या प्रोटॉन इस न्यूक्लियस से हटाना है या फिर ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि मरकज़ से प्रोटॉन को अलहदा नहीं होने देता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू यहाँ पे इस शेल्स में हरकत कर रहे हैं, तो इसको हम आसानी के साथ इससे हटा सकते हैं। तो रबिंग के दौरान क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफ़र होती है। तो लेट्स से अगर यहाँ से ये इसी ऑब्जेक्ट का ये एक एटम है और यहाँ इस एटम से मैंने लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब न्यूक्लियस में फाइव प्रोटॉन्स हैं और उसके अराउंड सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलेट करते हैं। तो अब इस पे जो चार्ज इस पे आएगी ये उस पे पॉजिटिव चार्ज होगी। ये मैंने बतौर एग्जांपल यहाँ पे लिया है। अब ये चूंकि वैलेंसी इसका चार से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, अमूमन ये इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, ये देगा नहीं। वैलेंसी जिसकी फोर से ग्रेटर हो, मतलब सिक्स सेवन ये हो, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है, ये हम सब जानते हैं। ये मैंने बतौर एक एग्जांपल इसी एटम को लिया। अब
दूसरे केस में तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, यानी कि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ये आएगी, तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन जाएगी। अब दूसरे केस में अगर हम ले लें ये, लेट्स से कि ये वही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वही एटम है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये तीन इलेक्ट्रॉन, तो फाइव प्रोटॉन्स भी है, फाइव इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर हमने इसको किसी चीज़ के साथ रब किया और एक और इलेक्ट्रॉन इसके शेल में आ गई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब इसके न्यूक्लियस में फाइव इलेक्ट्रॉन्स, फाइव प्रोटॉन्स हैं और इसके जो आउटर शेल है इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगी अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो मैंने एक एटम की बात की, ये हज़ारों से भी ज़्यादा, लाखों से भी ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ये सब शेयर कर दे या एक एक इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आ जाए तो ये बहुत बड़ा चार्ज ये बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली अब नेगेटिव चार्ज ये बन गया। इस बिना पर हम थोड़ा डिफरेंट अल्फाज में फिर इस चार्ज को हम डिफाइन करते हैं कि द एक्सेस ऑफ और डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे मैंने बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जो पहला डिफिनेशन हमने लिखा था, वो तो इलेक्ट्रॉन्स या इसके लिए, इसके अलावा जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसके लिए था। अब जी जो बड़े पार्टिकल है जो सब बहुत ज़्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके लिए डिफिनेशन इस तरह भी हो सकता है कि द एक्सेस और डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती या इलेक्ट्रॉन की कमी ये आ जाए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब चार्ज आ चुका है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, तो हम कहते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन ये इसकी कमी हुआ क्या होगी तो फिर इसको हम कहते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज अब आ चुका है। इसकी जो यूनिट है इसको हम कूलम्स कहते हैं, चार्ज का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम को हम आगे जाके इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आगे जाके हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो उसमें हम फिर इसकी पूरा वजाहत करेंगे कि वन कूलम्स चार्ज ये किस चीज़ के बराबर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया कि दो ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या फिर एक दूसरे को रिफेल करेगी, तो इसी के ऊपर हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे।